Now I'm going to today I'm going to Chicholi Sanctuary Park, Karnataka, and right now I'm here at Rancheru. So many more places to explore today. I am at Haridosa Palace at Patancheru. After that, I am going to Chincholi Wildlife Sanctuary. Breakfast at Muthangi, and now I am going to Chincholi Wildlife Sanctuary. You can see my bike over here. And now I did a ride of 50 km ride, and today's ride is 300 km ride from Hyderabad to Chincholi Wildlife Sanctuary, Karnataka. And many other, I will explore many other places. And round trip, it is 300 km. Hyderabad to Chincholi and Chincholi Wildlife Sanctuary to Hyderabad. So overall, the ride is 300 km ride. I did a ride of 50 km ride. It's one of the fascinating ride, I can say. The traffic over here at Ranjol और मैं हैदराबाद के करीब हूँ और यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है और ट्रैफिक में फंसा हुआ और हैदराबाद और ये दिस इज कॉल्ड मुगड़मपल्ली और ये हैदराबाद के बाद आता है और यहाँ से 50 किलोमीटर और है चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल ग्रीनरी ओवर हियर और आगे बकरियाँ आ रहे हैं. यहाँ पर देख सकते हो आप तीन लंगूर है और ये काफ़ी बड़ा है और इसका पूंछ देखो कितना बड़ा है और काफ़ी शरारत कर रहे हैं ये तीन लंगूर. इनका टेल काफ़ी लंबा है और ये टेल की मदद से काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी चढ़ जाते हैं. पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना. होता है प्यार क्या हमने जाना तेरी आंखों के यार बिना चैन कहाँ रे सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे ऐश कर ले ओ यार बिना चैन कहाँ रे यार बिना चैन कहाँ रे. सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे ऐश कर ले अरे क्या कर ले. वेलकम टू कर्नाटका एंड राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं पूरा कन्नड़ा लैंग्वेज पर है और मेरा जो डेस्टिनेशन है आज का चिंचोली है. तो नंबर वन राइट हैंड साइड पर है नंबर वन चिंचोली 16 किलोमीटर से यहाँ से और आई थिंक ये चिंचोली लिखा हुआ है कन्नड़ा लैंग्वेज पर 16 किलोमीटर से और नाउ हियर इज कर्नाटक का बॉर्डर. नाउ रोड इज़ वेरी नैरो एंड वेरी वो भी सामने है यहाँ पर काफ़ी ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा है. वेरी नैरो रोड्स एंड वेरी वेरी रोड ऑल ओवर जंगल एंड जंगल वेरी फॉरेस्ट. और यहाँ पर चिंचोली 14 किलोमीटर्स हैं मोर 14 किलोमीटर्स रिमेन फॉर चिंचोली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी. काफ़ी बड़ा घना जंगल है ऊपर तो इंसान नज़र ही नहीं आ रहा है सिर्फ एक हर एक किलोमीटर के बाद एक गाड़ी आ रही है यहाँ से. गड्ढे यहाँ पर और रोड बिल्कुल साफ नहीं है पीछे के भी रोड इसी तरह से. बेचारा
एंड आई एम हियर एट चंद्रपल्ली डैम कर्नाटका. यू कैन सी व्यू ओवर हियर एंड दिस इज कॉल्ड चंद्रपल्ली डैम एंड यू कैन सी द फॉरेस्ट ओवर कवर्ड ओवर हियर. इट्स कवर्ड अंडर गोटमगुट्टा एंड एज वेल एज कर्नाटका एंड तेलंगाना बॉर्डर एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ओवर हियर. काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है और जैसे कि यहाँ पर आए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बाली इंडोनेशिया का छोड़ा था ना एकदम उस तरह का नज़ारा है. यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ओवर हियर और काफ़ी ताजगी है यहाँ पर और काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है. चारों तरफ हरियाली हरियाली एकदम काफ़ी खुश हुआ यहाँ पर आकर और यहाँ से और कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ पर देखेंगे और आगे कितना एक्सप्लोर करते और आई विल शो द मोर व्यू ऑफ हियर एट चंद्रपल्ली डैम. दिस इज कॉल्ड द चंद्रपल्ली डैम एट कर्नाटका एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ओवर हियर. ऑल ओवर ग्रीनरी ओवर हियर सच ए मैग्निफिशेंट प्लेस आई कैन से. काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है ये और चारों तरफ हरियाली हरियाली और जैसे कि आप देख रहे हैं चिड़िया गाना गा रहा है और ये आवाज़ गूंज रही है एकदम प्यारा सा नज़ारा है. एंड दिस इज कॉल्ड द चंद्रपल्ली डैम कर्नाटका. एंड दिस इज कॉल्ड चंद्रपल्ली डैम. दिस इज़ चंद्रपल्ली डैम और यहाँ पर एनिमल्स भी हैं जैसे कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी है और कन्नड़ा पर लिखा हुआ है यहाँ पर और मेरे जो कन्नड़ा के सब्सक्राइबर्स हैं वो पॉज कर कर वीडियो को पढ़ सकते हैं. काफ़ी ब्यूटीफुल सा प्लेस है ये टेलर व्यू ऑफ चंद्रपल्ली डैम. अब जैसे कि देख रहे हैं ये काफ़ी डेंजर ब्रिज है और यहाँ पर इतना नीचे बहुत ही बड़ा खाई है और काफ़ी डेंजर. You can see my Karizma bike over there. A beautiful bird over here at Chandrapalli Dam. Here, eventually I reached at Chincholi Wildlife Sanctuary and you can see my bike over there and this is called the Chincholi Wildlife Sanctuary and located at Karnataka. और इसके अंदर गए तो गुट्टा आता है और काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है यहाँ गेट ऑफ Chincholi Wildlife Sanctuary. Chincholi Wildlife Range Territorial Forest Division Kalaburga Kalaburagi and you can see here deers and many birds are available over here. Dry deciduous and moist deciduous forest Chincholi Wildlife Sanctuary and this forest is home to fauna like black buck, four-horned antelope, Indian fox, hyena and as well as deers and many more animals. Over 35 species of birds are available over here at Chincholi Wildlife Sanctuary like black drongo, blue pigeons, peacocks and many more birds. You can see the yet another beautiful view of Chincholi Wildlife Sanctuary. This is a moist deciduous forest और यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है और चारों तरफ शांति है और जैसे कि यहाँ पर एनिमल्स जैसे कि हाइना और इंडियन फॉक्स और इंडियन वुल्फ और कई प्रकार के बर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है. काफ़ी खूबसूरत सा जंगल है और यहाँ से स्ट्रेट गए तो आपको गोटमगुट्टा आएगा सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर पर. काफ़ी घना जंगल है और वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ओवर हियर and this place is called Chincholi Wildlife Sanctuary Park. Here are we
here I met three of my subscribers and they are from Karnataka and mere Kannada subscribers hai. They are telling hi to all of you. Hi. Like, comment, subscribe, thank you. और इनसे भी मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला यहाँ पर और काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है यहाँ पर इतना हरियाली है एंड दिस प्लेस इज नोन फॉर फ्लोरा एंड फौना हियर आर मेनी नंबर ऑफ ट्रीज आर मेडिसिनल ट्रीज एंड सैंडलवुड ट्रीज एज वेल एज मेनी ट्रीज आर अवेलेबल ओवर हियर एंड दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ गोट्टमगुट्टा हिल्स यू कैन सी द ब्यूटीफुल प्लेस ओवर हियर इज कॉल्ड गोट्टमगुट्टा हिल्स और मैंने मेरा यूट्यूब पर चैनल का फर्स्ट ब्लॉग यहीं से शुरू किया था लास्ट ईयर और मैंने जस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम इसलिए जंगल में कुछ भी नष्ट नहीं होता है अब इसके बारे में बोल रहा हूँ मैं है ना एक स्कैवेंजर एनिमल है ये सड़ा गला मांस भी खा लेते हैं मांसाहारी एनिमल है और ये सड़ा गला मांस भी खाते हैं उसके अलावा ये कभी कभार शिकार भी कर लेते हैं झुंड पर और ये एकदम काफ़ी डेंजरस एनिमल है और उसके अलावा जो है सो वल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कैवेंजर अगर ये एनिमल्स नहीं होते तो नेचर में काफ़ी सारा गंदगी फैलता और उसके अलावा जो है सो इकोसिस्टम भी बर्बाद हो सकता था उसके अलावा नेचर में इस तरह के एनिमल्स भी हैं जो कि गंदगी फैलने से रोकते हैं सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड द स्कैवेंजर्स ऑफ द जंगल्स और इसके अलावा जो है सो ये एनिमल्स जैसा कि जंगल पर कुछ भी बर्बाद नहीं होता और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा होने वाला है अभी काफ़ी अंदर हूँ मैं जंगल के तो आई थिंक 4 या 5 किलोमीटर के अंदर हूँ तो यहाँ से मुझे जल से जल पार करना पड़ेगा ये जंगल उसके बाद वहाँ से मैं जहीराबाद जाऊँगा जहीराबाद से हैदराबाद जाऊँगा नाउ मोर 8 किलोमीटर रिमेनिंग फॉर टुडेज़ राइड नाउ आई हैदराबाद से आगे पहुँच चुका हूँ आई थिंक 20 से 40 किलोमीटर के बाद संगारेड्डी आएगा तो काफ़ी एकदम डेंजर रोड है और बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं यहाँ से और ज़्यादातर मैं ट्रेक नहीं करता हूँ पर आई थिंक 40 या 50 किलोमीटर के अंदर हम तो ही मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ